हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों SBI एक ऐसी सुविधा दे रहा है जिसमें ज़रूरत पड़ने पर आप FD का पैसा भी ATM से निकाल सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जब भी आप फिक्स डिपॉजिट यानी FD करते हैं तो सबसे बड़ी मुश्किल यह होती है कि ज़रूरत के वक्त आपको पूरी FD तुड़वानी पड़ती है, फिर चाहे कुछ पैसों की ज़रूरत ही क्यों न हो। लेकिन कैसा हो अगर आपको FD से भी ज़रूरत के वक्त सेविंग्स अकाउंट की तरह ही पैसे निकालने की सुविधा मिल जाए। जी हाँ, आपको यह सुविधा भारतीय स्टेट बैंक SBI दे रहा है। SBI में मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट नाम से एक FD होती है। इसमें से आप ज़रूरत के वक्त 1000 रुपये के मल्टीप्लाइज में पैसे निकाल सकते हैं। ऐसा ATM के जरिए भी किया जा सकता है। कैसे होता है ऐसे? दरअसल MOD एक तरह का टर्म डिपॉजिट ही है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि यह डिपॉजिटर के सेविंग्स या करंट अकाउंट से लिंक्ड होता है। ऐसे में अगर डिपॉजिटर उस लिंक्ड अकाउंट से पैसे निकालना चाहता है तो यह अमाउंट अकाउंट में मौजूद नहीं होता है, तो पैसे MOD से निकाले जा सकते हैं। विड्रॉल के बाद MOD में बचे अमाउंट पर FD के लिए तय ब्याज मिलता है। इस पर भी उतना ही ब्याज मिलता है जो SBI में एक आम FD पर मिलता है। कितनी है लिमिट? MOD के लिए मिनिमम डिपॉजिट लिमिटेड 10000 रुपये है। बाद में इसमें 1000 रुपये के मल्टीप्लाइज में और पैसे डिपॉजिट किए जा सकते हैं। इसमें मैक्सिमम अमाउंट के लिए कोई लिमिट नहीं है। टेन्योर, प्रीमेच्योर विड्रॉल और TDS। MOD को 1 साल से लेकर 5 साल की अवधि के लिए खुलवाया जा सकता है। इसमें प्रीमेच्योर विड्रॉल की भी सुविधा है, हालांकि इस पर TDS एप्लीकेबल है जो एक फाइनेंशियल ईयर में 10000 रुपये से ज़्यादा की इंटरेस्ट इनकम पर लगता है। लोन नॉमिनी और मिनिमम बैलेंस। MOD पर लोन लेने और नॉमिनेशन की फैसिलिटी उपलब्ध है। इसके अलावा MOD कराने वाले कस्टमर के लिए इसे लिंक्ड सेविंग अकाउंट में मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस रखना अनिवार्य है। दोस्तों, अगर आपको इससे रिलेटेड हमसे कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।